बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं सिर्फ 6 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको हर रोज काम आएंगे। जब भी किसी से कोई बात पूछना हो, मेरे वीडियो से क्वेश्चन सीखने के बाद आप आसानी से पूछ सकते हैं। लीजिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वेर यू ऑन मंडे, सोमवार के दिन आप कहाँ थे, ये पूछना है। तो पूछेंगे वेयर वेर यू ऑन मंडे, तो मैं घर पे था, आई वॉज एट होम। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड यू स्पेंड योर वैकेशन, किसी से पूछना है कि आपने छुट्टी कहाँ गुजारा, छुट्टी कहाँ बिताया, तो आई स्पेंट माय वैकेशन इन शिमला, मैंने शिमला में छुट्टी बिताया। जगह का नाम आप बदल सकते हैं। छुट्टी कहाँ बिताया, तो ये क्वेश्चन है, वेयर डिड यू स्पेंड योर वैकेशन, दिल्ली में छुट्टी बिताया, शिमला में छुट्टी बिताया, तो आई स्पेंट माय वैकेशन इन शिमला, आई स्पेंट माय वैकेशन इन दिल्ली। Where have all the boys gone? देखा बच्चे लोग नहीं हैं, तो पूछते हैं कि बच्चे लोग कहाँ चले गए हैं सारे बच्चे। तो Where have all the boys gone? They are taking rest. वो लोग आराम कर रहे हैं। Where have you been all these days? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने का है। Where have you been? पे थोड़ा बात हो जाए कि Where have you been? अगर किसी आदमी से आप आज मिले और फिर उसके बाद एक लंबे समय के बाद, ज्यादा समय के बाद, लंबे दिनों के बाद मुलाकात होती है, भेंट होती है, तब हम लोग बोलते हैं Where have you been? मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि आप कहाँ थे, आप कहाँ हैं। अब है all these days, तो इसमें where have you been all these days, आप इतने दिनों से कहाँ थे, आप इतने दिनों से कहाँ हैं, आप इतने दिनों से कहाँ रह रहे हैं, इस तरह से हम लोग पूछते हैं कि भाई where have you been all these days, इतने दिनों से आप कहाँ हैं, इतने दिनों से आप कहाँ थे। ये है जब ज्यादा समय बीत जाता है और उसके बाद मुलाकात होती है, भेंट होती है, तब हम लोग बोलते हैं Where have you been? तो I have been ill, मैं बीमार रहा हूँ। I have been busy, मैं व्यस्त रहा हूँ। ये है। अब अगला क्वेश्चन है, Where has he been living in Delhi? एक आदमी है, वो दिल्ली में रह रहा है काफी दिनों से, उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में रह रहा है तो कहाँ रह रहा है, कहाँ रहता आ रहा है, तो where has he been living in Delhi, ऐसे पूछेंगे, वो दिल्ली में कहाँ रह रहा है, ये कहाँ रहता आ रहा है। तो इसको पूछने का तरीका है where has he been living in Delhi। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे सॉरी आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, सॉरी मुझे उसका सही ठिकाना मालूम नहीं। लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर हैज द गार्ड गॉन, गार्ड कहाँ गया है, गार्ड को हटा के आप कर सकते हैं पीएन कहाँ गया है, क्लर्क कहाँ गया है, प्रिंसिपल साहब कहाँ गए हैं, तो वेयर हैज द गार्ड गॉन, ही हैज गॉन टू टेक टी, वो चाय पीने के लिए गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही।